बेटा अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सब्ट्रैक्शन और एडिशन फार्मूले हैं और इनसे इक्वेशंस को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट इसमें देखिए जो पहला फार्मूला है वो ये है कि अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ठीक है, इनवर्स फंक्शन है। और अगर साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, ए जो है वो पहला एंगल और बी है वो दूसरा एंगल है, तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे या फार्मूला लगाएंगे तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी और स्क्वायर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। बेटा पहला फार्मूला ये है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम आगे जाके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ब्रैकेट में, यानी ये पूरा एंगल है, ए ब्रैकेट में वन माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और प्लस बी वन माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। अच्छा, इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है, आसान से ही है। नंबर टू फार्मूला है इसका ये है, ये नंबर वन था। नंबर टू है कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी ये बराबर होता है साइन इनवर्स ए और स्क्वायर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट वन माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये सेकंड फार्मूला है, ठीक है, ये दो साइन के हैं। उसके बाद जो थर्ड फार्मूला है, थर्ड दो जो हैं वो कॉस के होंगे, तो थर्ड है कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी ये बराबर होता है कॉस इनवर्स और एंगल में ए बी माइनस वन माइनस ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। बेटा ये कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी का है, थर्ड जो है फोर बल्कि वो कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी ये बराबर होता है कॉस इनवर्स ए बी। अच्छा देखिए, जब कॉस इनवर्स ए प्लस बी होता है तो कॉस और एंगल में ए माइ ए बी और माइनस आता है, और जब माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा कॉस इनवर्स ए बी और प्लस वन माइनस ए स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में और स्क्वायर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स ए माइनस कॉस इनवर्स बी इज इक्वल कॉस इनवर्स ए बी और फिर प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस ए स्क्वायर और वन माइनस बी स्क्वायर। अब जो फोर है सॉरी फाइव, ये टेन इनवर्स के हैं, ठीक है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी ये इज इक्वल टू है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी ये पूरा एंगल में, ठीक है। और फिर लास्ट वन सिक्स, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी ये बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी ओवर वन प्लस ए बी, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड ना, अगर आपका टेन, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये पढ़ा है कि देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी बराबर है टेन इनवर्स ए प्लस बी
ओवर वन माइनस ए बी। अब देखिए इसमें दोनों एंगल सेम हो, अगर हम सपोज कर लें कि लेट लेट हम कर लें कि ए इज इक्वल टू बी, दोनों एंगल सेम है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी भी आपके पास आ जाएगा ए। देखिए टेन इनवर्स ए आपके पास ए ही है और बी भी आपके पास ए है, और डिवाइडेड बाय वन माइनस ए भी ए है और बी भी ए है। अब देखिए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए ये हो जाएगा आपका टू टेन इनवर्स ए, टू टेन इनवर्स ए ये बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस ए टू ए डिवाइडेड बाय वन माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये जब दोनों एंगल सेम हो तो ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है टू टेन इनवर्स ए का, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने देख लेने हैं, अब हम लोग इंशाल्लाह जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर है वन, 13.2 का क्वेश्चन नंबर वन। अब देखिए पहला बेटा पार्ट है कि साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325। अच्छा बेटा देखिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 ले गया मैंने कॉस इनवर्स 253/325। हम लोग लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 7/25। अच्छा बेटा अभी हमने फार्मूला ये लिखा था कि वी नो दैट साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी बराबर किसके होता है साइन इनवर्स ए और स्क्वायर रूट में वन माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी और स्क्वायर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर। बेटा ये आपका फार्मूला साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी का, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, देखें देयरफॉर अब देखिए साइन इनवर्स बेटा ए आपके पास, देखिए ए जो है ना आपके पास ए क्या आपके पास ए आपके पास है 5/13 बी आपके पास है 7/25, ठीक है। तो ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं साइन वर्स ए प्लस साइन वर्स बी साइन इनवर्स ए ए आपके पास है 5/13 फिर वन माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में तो 7/25 और ये आ जाएगा स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट फिर देखिए प्लस बी बी है 7/25 और वन माइनस ए स्क्वायर ए आपके पास है 5/13 का स्क्वायर और ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए साइन इनवर्स 5/13 देखिए 1-7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। देखिए प्लस 7/25 मल्टीप्लाई बाय 1-5 का स्क्वायर 25 13 का स्क्वायर 169। अच्छा अब बेटा देखें साइन इनवर्स 5/13 मल्टीप्लाई बाय देखें स्क्वायर रूट में 625 एलसीएम ले लेंगे, अब ये 625-49 या अगर फिर प्लस 7/25 मल्टीप्लाई बाय देखें यहाँ 169 एलसीएम आ जाएगा 169-25। अच्छा अब बेटा देखें ये स्क्वायर रूट में माइनस कर देंगे, अब देखें ये साइन इनवर्स 5/13 अब देखिए 625-49 ये आपके पास आ जाएगा 576/625 फिर देखिए प्लस 7/25 मल्टीप्लाई बाय अब देखिए 169-25 144/169। अच्छा बेटा आप देखेंगे साइन इनवर्स
फाइव बाय थर्टीन मल्टीप्लाई बाय देखिए 576 का स्क्वायर रूट 24 और 625 का स्क्वायर रूट 25 प्लस 7/25 144 का स्क्वायर रूट 12 और 169 का 13। अब ये आपके पास आ गया साइन इनवर्स। अब देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपके पास आ गया 120 और डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 13 ये आपके पास आ गया 325 प्लस 12/84 ये आ जाएगा 84 और डिवाइडेड बाय 325। अब स्टूडेंट्स आप ले लेंगे एलसीएम साइन इनवर्स 325 आ गया एलसीएम ये 120 और प्लस 84। अब 84 प्लस 120 ये आपके पास आ गया 204 साइन इनवर्स ये आपके पास आ गया 204 डिवाइडेड बाय 325। अच्छा बेटा देखिए ये तो आपके पास आ गया साइन इनवर्स ना। अब आपको देखिए प्रूफ में ये चाहिए, प्रूफ में आपको चाहिए देखें, प्रूफ में आपको चाहिए कॉस इनवर्स 253 डिवाइडेड बाय 325 आपको ये चाहिए ठीक है प्रूफ में। अब इसकी दो टेक्निक हैं, एक टेक्निक तो दोनों टेक्निक आपको सिखाया था, एक टेक्निक तो ये है तो आप इसे सपोज कर लें कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325। अब बेटा यहाँ देखिए क्या आ जाएगा साइन थीटा आपके पास ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 204/325। अच्छा बेटा देखिए अब आपको प्रूफ में कॉस चाहिए तो आपको याद होगा कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़ा ठीक है और स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन माइनस साइन थीटा, साइन थीटा 204 डिवाइडेड बाई 325 का ये स्क्वायर आ गया और स्क्वायर रूट ठीक है। बेसिकली देखिए फार्मूला ये हमने कहाँ से बनाया आपको याद होगा ये फार्मूला ना हमने ये पढ़ा हुआ इस तरह का ना कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन का आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ ठीक है और चैप्टर नंबर 9 और 10 में भी। तो इसी से हमने ना मॉडिफाई करके ये कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस। अब यहाँ देखिए आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस और फिर देखिए वन माइनस और 204 का स्क्वायर रूट 204 और ये स्क्वायर रूट ये आपके पास आ जाएगा 416 और डिवाइडेड बाय 325 का स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 10105 और 625। अब यहाँ ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम यही आपके पास आ जाएगा 105625। अब यहाँ वन है तो यही आएगा 105625 और माइनस देखिए सेम कैंसिल हो जाएगा और 41616। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 41616 तो ये आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 64009 डिवाइडेड बाय 105625। अब देखिए आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये 253 प्लस माइनस 253 ओवर 105625 ये देखें स्क्वायर रूट होता है किसका 325। अच्छा बेटा देखिए प्लस में भी वैल्यू आ रही है और माइनस में भी आ रही है तो वैल्यू हम कौन सी लेंगे प्लस की लेंगे या माइनस की लेंगे ये हमने चेक करना है ठीक है। आपको याद होगा
कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते थे, ये ज़ीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये आपके पास माइनस पाई बाई टू और ये माइनस पाई, जो जब भी जो साइन होता है, साइन हमेशा आप यहाँ लेते थे, साइन इनवर्स फंक्शन आप पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के दरम्यान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स या जो भी है थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स थीटा आप लेते थे इन्हें फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कॉस होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट साइन थीटा, साइन वी नो दैट कॉस ठीक है बेटा, ये हम लिखेंगे कि वी नो दैट डोमेन ऑफ अल्फा, डोमेन ऑफ थीटा इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, इन विच कॉस थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा देखिए साइन जो है ना, यहाँ पे साइन इनवर्स लाई करेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के दरमियान, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो देयर फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस 253 ओवर 325। अब थीटा यहीं रहेगा और कॉस हो जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स 253 ओवर 325। बेटा यही हमें प्रूव करना है, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर वन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर टू है कि टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 9/19। बेटा ये भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/5। अब बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला कि वी नो दैट टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 - ab। बेटा ये आपने फॉर्मूला लगाना, ठीक है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। तो अब बेटा यहाँ पे ए जो है 1/4 है, बी 1/5 है। अब आप लिख देंगे देयर फोर टेंजेंट इनवर्स ए, ए आपका 1/4 और प्लस बी 1/5 डिवाइडेड बाय 1 - ab 1/4 और मल्टीप्लाई 1/5। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स, अब देखिए न्यूमरेटर में एलसीएम आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है, 20 एलसीएम, तो 4 5 25 1/5, अभी 5 4 24 1/4, और फिर देखिए जो डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर का एलसीएम भी आपके पास आ जाएगा 20, ये 20 आ जाएगा एलसीएम, तो ये 20 1/20 और माइनस 20 से 20 कैंसिल, 1 आएगा 1 1/1। अब बेटा देखिए दोनों के एलसीएम सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम आप कैंसिल कर दें,
तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 5 + 4 9 आ जाएगा और 20 - 1 19। बेटा यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ। ये आप स्क्वायर बना किस तरह कर दें, ये बताया हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ठीक है बेटा। अब आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि टू टेन इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा बेटा देखिए ये ना टू टेन इनवर्स है और हमें लेके आना है साइन इनवर्स। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो टू टेन इनवर्स है इसको हम लेके आएंगे टेन इनवर्स की फॉर्म में और फिर टेन इनवर्स से हम लेके आएंगे साइन इनवर्स। अब टू टेन इनवर्स की कैसे लेके आएंगे देखें, टू टेन इनवर्स को टेन की फॉर्म में लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड टू टेन इनवर्स 2/3। अब आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि वी नो दैट जो टू टेन इनवर्स होता है, टू टेन इनवर्स ए, ये बराबर होता है टेन इनवर्स 2a/(1 - a²)। ये होता है टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स ए का फार्मूला। ठीक है, तो ये होता है आपके पास फार्मूला टू टेन इनवर्स ए का। अब देखिए जब हम लिखेंगे टू टेन इनवर्स ए की जगह पर, देयरफॉर देखिए टू टेन इनवर्स 2a, ए आपके पास है 2/3 और डिवाइडेड बाय 1 - a² 2/3 का स्क्वायर। अभी आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2^4/3 डिवाइडेड बाय 1 - 2^4/9। अब नेक्स्ट टाइम में बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3 और देखिए डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा एलसीएम, तो 9 × 9 9 - 4 5/9। अच्छा आप देखिए बेसिकली ये यूँ है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स 4/3। अब देखिए बेसिकली डिवाइड हो रहा है 5/9, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 9/5 ये पूरा एंगल में, ठीक है। अब यहाँ जो कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन कर देते हैं हम लोग, ये 3 θ 1 3 θ 9, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स और 4 θ 12/5। अच्छा बेटा देखिए ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स, यानी हमने क्या किया है कि टू टेन इनवर्स 2/3 से लिया है टेन इनवर्स 12/5 आ गया, यानी ठीक है। अब हमने जो प्रूव करना है ना, प्रूव में हमने ये लेके आना है, देखिए प्रूव में हमने लेके आना है साइन इनवर्स 12/13। बेटा इसकी दो टेक्निक हैं, तो एक टेक्निक तो ये है जो थोड़ी इजी है वो आपको सिखाता हूँ मैं, कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लूँगा मैं लेट लेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। ये टेक्निक हमने 13.1 में पढ़ी थी, और यहाँ देखिए टेंजेंट थीटा आपके पास आ जाएगा 12/5। हमें जो प्रूफ है साइन की फॉर्म में लेके आना है, आपको याद होगा कि वी नो दैट टेन थीटा इसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर आपके पास 12 और बेस आपके पास क्या है 5 है। आपने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ये वाली, या आप थीटा ले लेंगे। अब आपको याद है ये होता है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज और ये बेस, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर आपके पास 12 है और बेस आपके पास 5 है। अब क्योंकि हमें प्रूफ में लेके आना है साइन, ठीक है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट साइन थीटा ये होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो अब हम लोग यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम यानी फोर हाइपोटेन्यूज ठीक है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, बेस आपके पास 5 है, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर आपका 12 है, तो 12 बाय स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, तो एच स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 169, ठीक है। और स्क्वायर रूट ले लेंगे एच का स्क्वायर रूट, और ये प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, एच आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 13। अब बेटा आपको याद होगा कि देखिए लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, तो हम यही भी लेंगे कि सिंस लेंथ कांट भी नेगेटिव, तो देयरफॉर एच आपके पास आ जाएगा 13, तो ये आपके पास आ गया एच। अब हमें प्रूफ में देखिए साइन इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स 12 बाय 13, तो एच आपके पास आ चुका देखें, तो देयरफॉर देखें साइन थीटा आपने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपके पास देखें 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है, और थीटा यही रहेगा और साइन इनवर्स 12 बाय 13, तो ये हमें प्रूफ करना है। ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ्ड, ये आप बॉक्स बना दें या लिख दें हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो बेटा यहीं तक करते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे इस तरह इसके बाकी क्वेश्चन भी ऐसे आसान ही है, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।